उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को भाजपा नेताओं पर चुनाव से पहले झूठ फैलाने और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव सोमवार को संपन्न हो गए और 1 जून को अंतिम चरण तक जारी रहेंगे। बीजेडी सुप्रीमो की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब एक दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनावी रैलियों में पटनायक सरकार पर कुशासन और 24 साल के शासन के दौरान राज्य का विकास करने में उनके विफल रहने का आरोप लगाया था। अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कांटाबाजी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा, भाजपा नेता चुनाव से पहले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। पटनायक ने सभा से पूछा कि आप खुश हैं, इस पर उपस्थित जनसभा ने हाँ में उत्तर दिया। पटनायक ने अपनी सरकार द्वारा लागू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं पर लोगों से प्रतिक्रिया भी मांगी। बोलंगीर लोकसभा सीट के कांटाबाजी विधानसभा क्षेत्र में 2 रैलियों को संबोधित किया। बोलंगीर में एक अन्य सार्वजनिक बैठक में उन्होंने लोगों से अपील की वो भाजपा नेताओं के झूठ और घड़ियाली आंसुओं से प्रभावित ना हों। पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पंडियन ने दावा किया कि लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री पटनायक कांटाबाजी सीट से रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे। पंडियन मुख्यमंत्री के साथ चुनावी रैलियों में मौजूद थे। धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाकर 3.4400 रुपये प्रति क्विंटल करने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा पर पंडियन ने कहा, मोदी को केवल चुनाव से पहले किसानों की याद आती है। जब किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया या आत्महत्या करके मर गए तो उन्हें उनकी याद नहीं आई। विजय नेता पंडियन ने कहा कि मुख्यमंत्री सत्ता में लौटने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जुलाई से हर महीने गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले को मंजूरी देंगे।